टू बेटा, क्या हुआ है? क्या अच्छे नहीं लगे ये टॉयज आपको? कोई और टॉय चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वो भी ला दूंगा। क्या हुआ मेरी जान, आपको बाबा के आने की खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, आपके आने से मेरी मामा चली गई। इससे अच्छा तो यही था कि आप आते ही ना। गुड्डू, गुड्डू बेटा मेरी बात तो सुनो, गुड्डू प्लीज बात सुनो। देख लिया ब्लड प्रेशर? तो जाओ जाके गाड़ी को देखो और तुम सामान बांधो। 2 दिन हो गए हैं, मैं वापस जाना है, दुकान कोई नहीं देख रहा। जहीर, घर के सारे हालात तो आपके सामने हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अम्मी के पास ही 2 दिन रुक जाऊं मैं। तो फिर एक काम करते हैं, नवीद और मैं वापस चले जाते हैं, तुम यहाँ पे ही रुको अपनी अम्मा के पास, वापस आने की जरूरत नहीं है। जहीर भाई, कल रात जो कुछ भी हुआ वो आपकी आंखों के सामने हुआ था। आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं, आपको तो समझना चाहिए हम पर क्या गुजर रही है। बहरहाल गुस्से में, तैश में आकर मैंने नवीद से जो भी बदतमीजी की, मैं उसके लिए बहुत माफी मांगता हूं। हे हाय, अरे आपस में क्यों दिल बुरा करते हो? अरे मैं तो पहले ही कब्र के किनारे पर पड़ी हुई हूँ, और तुम लोग यूं आपस में उलझोगे तो मेरा तो मौत का बुलावा ही आ जाएगा। क्या हो गया अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपका हमेशा साया हमारे सर पे कायम रहे, आमीन। जो मेरी हालत रात में थी ना बेटा, मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। ये दोनों बच्चे ना होते ना तो अब तक तुम लोग मेरी मैयत की तैयारी कर रहे होते। मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझ पर क्या गुजर रही है आपको इस बारे में सोचना चाहिए ना, आप ही तो मेरी उम्मीद का एक वाहिद सहारा है। अरे मेरे बच्चे, मेरा तो लू लू तुम्हें दुआ देता है। इतने सालों के बाद आया तू घर, और वो पिछल पैरी कितना बड़ा काम दे गई तुझे। अरे मेरे बच्चों, जहीर नवीद, अरे तुम लोग गले मिलो बाद के, दिल साफ करो अपना एक दूसरे के लिए।